आज हम आपको बताएंगे हमारे भारत से जुड़ी जानकारियाँ आपको हैरान कर देंगी। सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज अड्डा को और दबाइए इस घंटे को ताकि आपको मिल सके हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। भारत की कुछ ऐसी जानकारियाँ बताएंगे जिनको आप नहीं जानते होंगे। ये जानकारियाँ आपके सामान्य ज्ञान तो बढ़ाएंगी ही और इसके अलावा आपको जनरल नॉलेज परीक्षाओं में भी मदद करेंगी। ये जानकारियाँ हमने चुन चुन कर आपके लिए इकट्ठा की हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। अंग्रेजी बोलने के मामले में भारत का दुनिया में दूसरा स्थान है, जहाँ यूएसए के बाद सबसे ज़्यादा अंग्रेजी बोली जाती है। भारत का पहला रॉकेट इतना हल्का और छोटा था, इसे साइकिल पे भी ले जाया जा सकता था। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपनी तनख्वाह का केवल 50% हिस्सा ही लेते थे। भारत की कबड्डी टीम आज तक हुए सारे विश्व कप जीती है, कभी नहीं हारी। शैम्पू का प्रयोग भी सबसे पहले भारतीयों ने ही किया था, जो कि जड़ी बूटियों से बनाया गया था। शैम्पू शब्द संस्कृत के चैम्पू शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है मसाज। चंद्रमा पर पानी की खोज सबसे पहले इसरो भारत ने ही की। दुनिया में सबसे ज़्यादा शाकाहारी व्यक्ति भारत में ही रहते हैं। भारत के तकरीबन 20-40% लोग शाकाहारी हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है। हीरे की खान सबसे पहले भारत में ही पाई गई थी। चीन और यूएसए के बाद भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी सेना है। भारत में हर 12 साल में एक बार कुंभ का मेला लगता है। यह इतना विशाल मेला होता है कि यह अंतरिक्ष से भी दिखाई देता है। भारत में करीब 3,00,000 मस्जिद हैं, जो किसी अन्य देश की तुलना में सबसे ज़्यादा है। भारत के रेलवे विभाग में करीब 1,30,000 कर्मचारी हैं, जो कई देशों की जनसंख्या से भी ज़्यादा हैं। जितनी ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या है, उससे ज़्यादा लोग भारत में एक साल में पैदा होते हैं। शतरंज का आविष्कार भारत में ही हुआ। आपकी शर्ट का बटन आविष्कार भी भारत में ही हुआ था। दुनिया में सबसे ज़्यादा फिल्मों का निर्माण भी भारत में ही होता है। भारत में सचिन तेंदुलकर दुनिया में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। आज भारत की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। सबसे लंबी सड़क के मामले में भी भारत नंबर 1 है। भारत में पिछले 1,00,000 वर्षों से भी किसी देश पर आक्रमण नहीं किया। शून्य का आविष्कार भी भारत में ही हुआ। बीजगणित और त्रिकोणमिति का आविष्कार भी भारत में ही हुआ। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। भारत दुनिया का 7वें सबसे बड़ा देश है। दुनिया में सबसे ज्यादा डाकखाने भारत में ही स्थित हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।